दोस्तों पीसीबी के चेयरमैन और कप्तान दोनों पे लगा 5 साल का प्रतिबंध, बताएंगे आपको सारी जानकारी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पिछले दिनों इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही बुरी तरह से हरा दिया था और टेस्ट सीरीज 3-0 से अपने नाम करी थी। ये 75 सालों में पहली बार हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीसीबी के चेयरमैन रमेश राजा ने इस वक्त बोला था कि हमें इंग्लैंड के गेंदबाजों से काफ़ी डर लगता है और हमारे बल्लेबाज अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम पूरे दौरे पे सिर्फ बैटिंग पिच ही बनाएंगे, जिसका खामियाजा पाकिस्तान ने भुगता और वो सीरीज 3-0 से हार गए। इसके साथ ही आईसीसी ने उनके इन बयान पे पाकिस्तान की रावलपिंडी पिच को डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए थे। और इस शर्मनाक हार के बाद इस बात की चर्चा थी कि रमेश राजा की कुर्सी कब तक बचेगी। दोस्तों आज दोपहर पीसीबी के चेयरमैन रमेश राजा को बर्खास्त कर दिया गया और अब नजम सेठी पीसीबी के नए चेयरमैन होंगे। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान में एक और बड़ा बवाल मचा हुआ है, जहां पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोगों का मानना है कि बाबर आजम को अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ना तो उनकी टीम सिलेक्शन सही होती है और ना ही वो सही फैसले ले पाते हैं। वहीं उनका फॉर्म भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, जिस पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बाबर आजम हमारा एक बेहतरीन कप्तान है और वही हमारा आगे भी कप्तान रहेगा, उसको हटाने के बारे में कोई सोचना भी मत, जिस पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं और शाहीन अफरीदी को कह रहे हैं कि आप अपने खेल पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा।